हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक, एंड दैट टॉपिक नेम इज व्हेन हाफ फैक्टर। ओके, ये हमारे पास चैप्टर सॉल्यूशन में आपके पास है। क्लियर? अब व्हेन हाफ फैक्टर और इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या इसने बताया, सब कुछ पढ़ेंगे। आई होप दैट आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है, और इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखिए भाई, हमारे पास 1886 में वेन हॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंट आई। और किससे रिप्रेजेंट किया इसको? स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और उसने कहा, इसने किसको एक्सप्रेस किया? टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ किस चीज को भाई, जिस एसोसिएशन और डिसोसिएशन को तोड़ने को हमारे पास एक्सप्रेस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। किस चीज को भाई हम पढ़ते आ रहे हैं? सोल्यूट पार्टिकल्स के हमारे पास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई कि भैया वेंडहोफ ने 1886 में इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर, और दैट कैन बी रिप्रेजेंट एक्सप्रेस आई, एंड उसने कहा इट एक्सप्रेस टू द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। क्लियर? इनसे आपके पास एक डेफिनेशन आ गई कि द रेशियो, इनसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन से आपका एक डेफिनेशन आई, रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास है किसका? है टू द ऑब्जर्व मोलर मास, टू द ऑब्जर्व मोलर मास, टू द ऑब्जर्व मोलर मास किसका भैया? आप बात कर रहे हैं सोल्यूट का, ऑफ द सोल्यूट। क्लियर हुआ? तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, I इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, नॉर्मल मोलर मास लिखा आपने, लिख दीजिए आपके पास नॉर्मल मोलर मास। बात क्लियर हो गई? फिर क्या बोला उसने, रेशियो बोला है ओवर, आपके पास लिखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व, जिसको बोलते हैं आप एबनॉर्मल मोलर मास, दैट इज योर वेंडहॉफ फैक्टर। डेफिनेशन क्लियर? वन मार्क्स में वेंडहॉफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या आएगी, तो आप लिख सकते हो नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर यहां पे? अब बात ये आ गई कि ठीक है आपके पास कि सोल्यूट क्या करता है। हमारे पास यहां पर आपके पास इसने एक वर्ड बोला बेटा, आपके पास देखो माय डियर फ्रेंड, चेक कीजिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन बोला नहीं इन्होंने इस पे, तो किसका बोला, एसोसिएशन डिसोसिएशन सोल्यूट पार्टिकल्स का। तो हम बात करते हैं कि भाई फॉर सोल्यूट कि इन केस ऑफ एसोसिएशन लिख लीजिए, तो आप इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा हमने, इन केस ऑफ एसोसिएशन में आई की वैल्यू है वो लेस देन क्या है भैया, वन है, लेस देन वन है हमारे पास, ठीक है ना, कि ऑब्जर्व मोलर मास है वो आपके पास इज मोर देन नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास इज मोर देन नॉर्मल मोलर मास, देन द वैल्यू आई इज लेस देन वन, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा भाई, आई लेस देन क्यों है, कि जो ऑब्जर्व मोलर मास है बीइंग लेस या सॉरी मोर देन नॉर्मल मोलर मास इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई ग्रेटर देन वन। तो इसमें हमारे पास के डिसो में क्या होगा कि वेंट ऑफ फैक्टर इज मोर देन वन, क्या लिखा भाई, वेंट ऑफ फैक्टर इज मोर देन वन बिकॉज क्या ऑब्जर्व मोलर मास क्या आपके पास हैज लेसर वैल्यू, इसकी जो ऑब्जर्व मोलर मास मोलर मास हैव लेसर वैल्यू, बात क्लियर। अब थर्ड केस आता है इन केस ऑफ सॉल्यूट, इन केस ऑफ सॉल्यूट थर्ड पार्ट में कि इन केस ऑफ सॉल्यूट जहां पे विच डू नॉट गो विच डू नॉट गो कैसे थे आप आज विच डू नॉट अंडर गो सॉरी अंडर गो एसोसिएशन, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और डिसोसिएशन मैंने डिसरीज लिखने के कारण, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसी में भी इन ए सोलवेंट, इन ए सोलवेंट कह रहा है कि पहला केस तो क्या होगा भाई एसोसिएशन है, दूसरा डिसोसिएशन, तीसरा कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा हो तो आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, इक्वल आ जाएगी, वेंट ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू वन बिकॉज ऑब्जर्व एंड मोलर दोनों ऑब्जर्व मोलर मास एंड नॉर्मल मोलर मास बिकम्स इक्वल, दोनों के दोनों मास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, बात क्लियर है यहां पर। अब यहां पर आपके पास तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां जब हमने इनके पढ़ने के बाद में आप क्या देखते हो, बड़ा मजा आएगा आनंद आएगा देखो इसके अंदर आपको कि भाई इसमें आपने क्या पढ़ लिया, तीनों चीजें आपके पास आ गई, फर्स्ट कंडीशन ये रही आपके पास एसोसिएशन डिसोसिएशन और ये आपकी कोई भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे पास। अब तीसरी बात जब हमारे पास इनसे आती है तो इन तीनों से हमारे पास क्या कंक्लूड निकला कि जो मोलर मासिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो सारे मोलर मास की बात की हमने वो किसके हो जाता है टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भैया इसमें क्या लिखा आपने, जो मोलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो भाई जब ये चीज आ गई है एक नई बात तो यहां पर भी डेफिनेशन आई की चेंज हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नीचे लिख देंगे हम क्या भैया नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कहां से आई है डेफिनेशन, ये यहां से आई भैया, देखिए आप पास हमने लिखे तीनों केस पढ़े तो उससे क्या है सिंस मोलर मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इससे क्या हो गया वेंट ऑफ फैक्टर में आल्सो बी डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मींस आप क्या कह सकते हो द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज योर आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर। क्लियर यहां तक की बातें, चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हो गया मोलर मास के भी अकॉर्डिंग हो गए डेफिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो
एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको गिवन रहेगा, भैया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने NaCl, KCl ले लिया हमारे पास, एट 0.1 m पर हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है इसकी वैल्यू गिवन रहेगी भैया 1.87 आपका टेबल में, और इसकी रहेगी 1.85 हमारे पास, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज ऑफ वैन हॉफ फैक्टर एट वेरियस कंसंट्रेशन फॉर किसके लिए, सम कॉमन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। क्या लिख रहा हूं भैया मैं, वैल्यू ऑफ क्या लिख रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव सॉरी वैल्यू ऑफ वैन ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो 0.1 मोल पे का आपकी कंसंट्रेशन तो ये हो गई। अब तो वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हम आई की चेक करेंगे तो ये जाएगी 1.94 इसकी, किसकी भाई, NaCl की, और इसके हो जाएगी हमारे पास 1.94। तो इससे क्लियर ये हो गया एक बात हमारे पास। और अगर हम इसको बात करें 0.001 एटमॉस्फेयर पे सोडियम क्लोराइड की, तो इनकी वैल्यू आपके पास है 1.97 और इनकी है 1.98, टेबल में आपके पास गिवन रहेगी आपके पास, ठीक है। तो आई की फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, ये वैल्यू आई की किसके लिए, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 और 2.0। तो यहां से आपके पास क्लियर है एक बात कि जो आई की वैल्यू आ रही है वो लगभग लगभग कितनी आ रही है, केसीएल एनएसीएल इनकी आ रही है 2.0 आ रही है हमारे पास एक्सपेक्टेड जो कंप्लीट डिसोसिएशन की एज द सॉल्यूशन, बिकॉज यहां पे क्या बोलो भाई मैं, देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है 2.0 हमारे पास ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट। इससे आपके पास क्लियर हो गया सॉल्यूशन क्या है, वेरी डाइल्यूट, ज्यादा है, ठीक है। आई की वैल्यू अप्रोच करते 3 को, जैसे फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, फॉर एग्जांपल किसकी है 3, K2SO4, तो उसको कह देंगे और वेरी वेरी डाइल्यूट, ये लगा दिया वेरी तो वेरी डाइल्यूट कर देते, ठीक है। तो ये आपके पास वेन टू फैक्टर की वैल्यू थी, ठीक है, एग्जांपल आपने ली इसमें। अब ना नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, जब हमने इसकी बातें की आपसे कि क्या बातें की कि फॉर सॉल्यूट व्हिच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो हमने दो बातें की भैया, पहली फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सेकंड बात है भाई बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको करते हैं भाई। चलिए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसको बात करें हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखे भाई, इसको डिनोट किया अल्फा से, अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू लिख दीजिए आप नंबर ऑफ कि गिवन जो हमारे पास सॉल्यूट रहेंगे डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंसेस टू अंडरगो डिसोसिएशन, टोटल सब्सटेंसेस टू अंडरगो डिसोसिएशन इनटू आयन, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, और किस में से डिसोसिएट हुए भाई, टोटल नंबर में से, टोटल
टोटल नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है, अरब ऑफ सब्सटेंस टेकन, क्या था भाई उन्होंने? अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज अ फ्रैक्शन, आपने कहा इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंसेस डिसोसिएटेड इनटू आयंस, मींस आई अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, ठीक है, क्लियर? आप इसको करें, सपोज देखना भाई, इसको ध्यान से देखना माय डियर फ्रेंड, बड़ा ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों इस पर। आप सपोज आपने क्या किया, सपोज मान लिया हमारे पास, ठीक है, सपोज ए मॉलिक्यूल, मैं ये दो मायने है ना, बड़े ध्यान से देखना भाई बड़े इसमें, सपोज ए मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल लिया मैंने टू फैक्टर में, आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, पोटेशियम क्लोराइड लिया है, हमारे पास गिव्स एम आयन, कितने आयन देता भाई आपको, एम आयन दे रहा है, सपोज दिया हमने हमारे पास, ठीक है, कब, आफ्टर डिसोसिएशन, ये दो लाइनें आप ध्यान से देखना भाई, क्या कहा मैंने, सपोज ए मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव्स एम आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्लियर है हमारे पास, देन हम इसे कहते हैं कि देन वन मोल बी टेकन एज, और हमने कितना मोल ले लिया, एक ले लिया टेकन एज सोल्यूट, हमने सोल्यूट का कितना मोल ले लिया, एक मोल ले लिया टोटल, और एंड अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, यहां तक मान लिया आपके पास, देन एट इक्विलिब्रियम क्लियर, देन एट इक्विलिब्रियम, तो ये दो लाइन थी ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आसान है, आई होप दैट आपको आ गई होंगी, कि सपोज ए मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव्स एम आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, देन वन मोल बी टेकन, वी स्टार्ट फ्रॉम एज वन मोल टेकन एज सोल्यूट, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एट इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ बेटा, देखिए यहां पर लिखिए हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके, सोल्यूट्स पार्टिकल्स के, हमारे पास लेफ्ट एंड डिसोसिएटेड भाई, तुमने तो डिसोसिएट कर दिए एम, बचे कितने हमारे पास, टोटल दिए वन, अल्फा निकल गए तो वन माइनस अल्फा, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस या मोल्स ऑफ आयंस फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन फॉर्म, कितने बड़े हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भाई, हमारे पास ये एम ये अल्फा, तो कितने बन गए भाई, एम अल्फा, ठीक है, एम अल्फा आपके पास आयन फॉर्म, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, सारे को जोड़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल ये रहे भाई, टोटल बने ये अनडिसोसिएटेड हो गए, तो वन माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा कितने हो गए, वन माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, देन अकॉर्डिंग टू वेंट हो फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या, ऑब्जर्व ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या लिखोगे, आई
ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, तो लिख दो, मैं एक लिख देता हूं, बता देता हूं आपको कि यहां पे ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये आ गया पास नॉर्मल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब इनको आप पुटअप कीजिए आई, तो आई इज इक्वल टू क्या गया पास, आई इज इक्वल टू हमारे पास वन माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा ओवर क्या आ गया भाई, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल कितना लिया था हमने, वन ले दिया मैंने इस पे। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखे भाई, ये आ जाएगा वन माइनस एल्फा प्लस एम एल्फा इज इक्वल टू आई, क्लियर यहां तक की बात, एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, ये इधर चला जाएगा एल्फा कॉमन आ जाएगा, आपके पास नीचे क्या आ जाएगा भाई एम माइनस वन, एम माइनस वन, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आई क्या है यहां पे नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, दैट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये देखना था आपको दो राय के पास, ये तो और अपने आप चलता जाएगा आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं भाई, हमारे पास एग्जाम्पल लेंगे जिसके हमारे पास क्या नहीं जाए इलेक्ट्रोलाइट्स ए बी टाइप, ए बी टाइप फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट ए बी टाइप, और ए बी टाइप में हमने क्या लिया भाई KCl, NaCl एक्सेट्रा हमारे पास, ठीक है, तो वहां पर M की वैल्यू क्या होती है भैया दो, M की वैल्यू क्या होती है टू, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन। अब ऐसे ही ले लिया फॉर एग्जांपल Ab2 टाइप में हमारे पास क्या आ गई CaCl2 हमारे पास, ठीक है, BeNO3 होल ट्वाइस ये आ गया हमारे पास एटसेट्रा, तो भैया वहां पर M की वैल्यू क्या हो गई थ्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई आई माइनस वन अपॉन टू, क्लियर वही बात है, तो यहां पर आपके पास क्या है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द टोटल इज द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट इनटू आयंस, डेफिनेशन है, सपोज किया ए मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव्स एम आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन एम दिया टोटल उसके पास अल्फा, हमने टोटल मान लिया वन मोल नॉर्मल मान लिया वन सॉल्यूट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मोल्स आयंस कितने हो गए एम अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड कितने हो गए भाई टोटल, ये लिया एक अल्फा हमारे पास निकल गए वन माइनस अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है, ठीक है, हो गया आपके पास, आनंद आना चाहिए भाई चीज में कि हमें करते हैं ना बड़े उसमें आ रहा है आराम से की पॉइंट के साथ आपके पास, ये दैट इज योर फर्स्ट पोर्शन आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसी प्रकार से आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है सेकंड पार्ट आपके, उसमें क्या हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड उसमें क्या हुए थे भाई I इक्वल टू उसमें था डिसोसिएटेड इसमें क्या हो जाएंगे एसोसिएटेड, वही डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई विद द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड इनटू आयंस, क्लियर है। अब यहां मान सपोज दैट थोड़ा ध्यान से देखना भैया इस पे भी आप भी मॉलिक्यूल है वो सोल्यूट, ये ए क्या है सोल्यूट है, ये एसोसिएटेड हो जाता है टू बी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गए n मोल्स हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n a, और ये हो गए एसोसिएटेड,
एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एन। हम अब कहां से स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, ये लीजिए हमने कहा इफ स्टार्ट विद वन मोल ऑफ ए, वन मोल ऑफ ए, ठीक है, एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब आपने एक कह दिया इसमें, तो यहां पे देन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस ऑफ द स्पीसीज स्पीसीज कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज आफ्टर एसोसिएशन, इज, अब देखते कितनी होगी, ए एन जो हमारे पास आया एसोसिएट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा पार्टिकल दे एन एन हो गया एसोसिएट अल्फा और एन कह सकते हो, या इसको आप ए इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन वन माइनस अल्फा ओवर अल्फा ओवर एन, वहां क्या था एम अल्फा, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या कहा था हमने एम अल्फा मल्टीप्लिकेशन, यहां क्या हुआ एसोसिएटेड है भाई, तो डिवाइडेशन में आपके पास हो गए, ठीक है। अब इनको लगे लो भाई आई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू वेंट ऑफ फैक्टर, भाई आप पास ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अज्यूमिंग टू एसोसिएशन, ठीक है। तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ओवर एन ओवर वन, यहां तक बात ठीक है, देन आपके पास आई इज इक्वल टू क्या आ गया वन प्लस अल्फा वन ओवर एन माइनस वन, ठीक है। अल्फा यहां हमारे पास क्या आ गया वन ओवर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया ये वन उधर चला गया आई माइनस वन, ठीक है। यहां पे क्या लिखा भाई हमने अल्फा इज इक्वल इनटू वन ओवर एन माइनस वन इज इक्वल टू आई माइनस वन, और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया पास आई माइनस वन, और ये नीचे चला जाएगा वन ओवर एन माइनस वन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन और वन माइनस एन ओवर वन। तो यहां पर आई क्या हो गए भाई नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, टू नो द वैल्यू ऑफ एम, एन की नंबर ऑफ मोल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, एंड सॉल्व द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसी पे आपके पास ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन था, इस पर आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है हमारे पास C6H5COOH, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लाइक दिस, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल विल बी अराइजेस इन योर एग्जाम। तो लाइक फॉर एग्जांपल दिया 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है डिजोल्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया गया, ठीक है, एंड टू शो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देयर विल वर्ड आर टू शो ए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.62 केल्विन, जो किसके बराबर था 1.6, यानी डेल टी एफ की वैल्यू दे दी। तो यहां हम क्या निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मोलर मास निकालेंगे, फॉर्मूला याद है Mb इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 ओवर डेल टी एफ इनटू डब्ल्यू ए, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर आप एक क्या कर भाई इक्वल टू 1.62 केल्विन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 किलोग्राम पर मोल, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया, तो मोलर दे दिया तो इसका मतलब क्या मोलरिटी हमारे पास आएगी ना, हमारे पास
तो व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। इक्वेशन क्या थी, C6H5COH को जब आप तोड़ते हो तो वो आपके पास C6H5COH इक्विलिब्रियम पे होल ट्वाइस हो जाती है बात, और होल ट्वाइस एक इनिशियल कंसंट्रेशन एक फाइनल कंसंट्रेशन, यू कैन डू इजीली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आई होप दैट यू कैन डू इजीली वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। थैंक यू।